Diolch yn fawr. स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर अंतरा पे पेगा कैसे हैं आप सब आई रियली की होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे तो ये देख सकते हैं कितना सुंदर सा बेडशीट है ना मैंने बहुत सुंदर सुंदर बेडशीट लिया है बुलबुल -बुल से ली हूँ मैं बहुत एफोर्डेबल प्राइस है बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस है तो आप लोग भी ले सकते हैं एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी है प्राइस भी बहुत ही अच्छा है आप अपने व्हाट्सअप से ले सकते हैं व्हाट्सअप पर बातें करके अच्छे से आप लोग ले सकते हैं काफ़ी अच्छा डिस्काउंट्स आपको मिलता है अगर आपको पसंद ना आए तो रिटर्न भी आप लोग कर सकते हैं शो ना अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो या पसंद ना आए तो पाँच दिन में रिटर्न भी हो जाता है और मैं अभी छाई हूँ देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा बेडशीट लिया है क्या क्वालिटी का लिया है और कितने प्राइस का लिया है तो चलिए आप वीडियो को देखिए उस तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ पहले आप लोग वो वीडियोज़ देख लीजिए तो ये है हमारा फर्स्ट बेडशीट देख सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारा है डबल बेड का आपको मिल जाएगा इसका प्राइस जो है दो सौ निन्यानवे है टू नाइन्टी नाइन इतने कम प्राइस में आपको इतना अच्छा क्वालिटी के साथ साथ डबल बेड शीट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और बहुत ही अफोर्डेबल uh, प्राइस है आपके साथ आपको इसके साथ दो पिलो कवर मिल जाता है प्योर कॉटन का ये बेड शीट है काफ़ी अच्छा है कलर भी आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट है और इसके ऊपर का जो प्रिंट है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ऐसा कुछ नहीं है कि वॉश करने के बाद हट जाएगा क्योंकि तो इस पर जो प्रिंट किया हुआ है वो हटने वाला कभी नहीं है आप एक बार इसको यूज़ करके देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है डबल बेड का है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्राइस बहुत रीजनेबल है टू नाइन्टी नाइन इतने कम प्राइस में आपको इस टाइप का बेडशीट कहीं भी किसी भी साइड पर नहीं मिलने वाला है नेक्स्ट बेडशीट ये ब्लू कलर का है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा प्योर कॉटन का है ये अगेन इसका प्राइस टू नाइन्टी नाइन नाएं है टू नाइन्टी नाइन नाएं में आपको इतना अच्छा बेडशीट कहीं भी नहीं मिलेगा इसका प्रिंट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्रिंट है आप एक बार इसको घर में मतलब डाल दोगे ना मुझे इतना प्यारा ये लग कलर लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैंने कहा कि मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करती ही हूँ तो आप लोग बहुत दिन से बेडशीट के बारे में पूछ रहे थे कि आप ये बेडशीट कहाँ से लियो मैंने कहा चलो एक बार आपको मैं अपने बेडशीट का कलेक्शन दिखा देती हूँ कि मेरे पास बेडशीट का कौन कौन सा कलेक्शन है बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है सो आप लोग जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कीजिए थर्ड मेरा ये बेडशीट है जो कि बहुत ही सुंदर है और कलर आप देख सकते हैं बोलने की ज़रूरत ही नहीं है बहुत ही सुंदर कलर है और ये भी ब्लू कलर का है थ्री नाइन्टी नाइन इसका इज है तीन सौ निन्यानवे रुपये में डबल बेड का चद्दर आपको ऐसा मिल रहा है बेडशीट कहीं भी नहीं मिलने वाला है इसके साथ आपको दो पिलो कवर मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा है क्वालिटी बेसिस भी बहुत अच्छा है प्योर कॉटन का आपको मिलेगा और प्रीमियम ग्लास कॉटन और आपको इसके साथ दो पिलो कवर मिलने वाला है प्राइस जो इसका है थ्री नाइन्टी नाइन है बहुत ही सुंदर प्राइस है मटेरियल ने बोले तो ग्लैस कॉटन है बहुत ही अच्छा है मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ तो बहुत ही सुंदर है आप देख सकते हैं और आज आप लोग के साथ मैं सोची कि चलो अपना बेडशीट कलेक्शन शेयर कर ही देती हूँ कैसा लग रहा है आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा लग ही रहा होगा ऑब्वियसली लग रहा होगा क्योंकि घर में देखिए एक बेडरूम का जो एक होता है ना लुक वो बेडशीट से ही आता है सो इस टाइप का बेडशीट आई थिंक आप लोग के होना चाहिए नेक्स्ट है ब्लू कलर का मैं ब्लू कलर का बेडशीट ज्यादा ली हूँ इस बार क्योंकि मेरे पास ब्लू कलर का बहुत ही कम था और ब्लू कलर का ना जैसे मेरे घर में वाइट कलर की पेंट है या फिर पिंक पेंट हो गया ऑरेंज हो गया तो सबको ब्लू कलर का बेडशीट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है ये बेडशीट इसका प्राइस भी आप सुन के ना चौक जाइएगा थ्री है सिर्फ इसका प्राइस सोचिए मटेरियल जो है वो माइक्रोफाइबर इसका मटेरियल है काफ़ी अच्छा है आप इसको वॉश करने के बाद भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है अगर आपको नहीं पसंद आता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं ऐसा कोई इशू नहीं है और इसका प्राइस भी बहुत कम है थ्री नाइन्टी नाइन सो एक बार आपको चेक करना बनता है तो इतने सुंदर सुंदर सा खूबसूरत सा बेडशीट मैंने लिया है तो आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए कमेंट बॉक्स में सब जगह मैं लिंक दे दूँगी आप लोग को जो अच्छा लगे बेडशीट देख सकते हैं और भी बहुत सारे कलेक्शन है बुलबुल के पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है बुलबुल के पास तो ये सारे बेडशीट जो है मैं बुलबुल से ही ली हूँ सो आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिए गा यह बेडशीट देखिए कितना सुंदर लग रहा है इस टाइप का ना मेरे पास कभी से था नहीं तो मैंने कहा चलो इस टाइप का बेडशीट तो होना चाहिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट के साथ मैंने बेड शीट लिया है ये भी बहुत सुंदर है प्योर आपको कॉटन इसमें मिल जाता है टू नाइन्टी नाइन का ये सिर्फ इसका प्राइज़ है टू नाइन्टी नाइन में डबल बेड शीट आपको मिल रहा है आप खुद ही सोचिए कितना कम प्राइज़ है और कम प्राइज़ में अच्छी क्वालिटी के साथ आपको अच्छा कलर अच्छा प्रिंट मिल रहा है टू पिलो कवर आपको इसके साथ मिलेगा दो पिलो कवर जो आप देख सकते हैं जो मैंने लगाया है पिलो में वो मिल जाएगा आपको तो बुलबुल बुल पे काफ़ी अच्छे कलेक्शंस होते हैं बेडशीट के ही नहीं बहुत ही सारे कपड़ों के और किचन आइटम्स होम आइटम्स बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बुलबुल बुल के पास कलेक्शन है काफ़ी एफर्डेबल प्राइस में है तो देखिए हमेशा हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि हम ज़्यादा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर पाए तो इसलिए कम पैसों के साथ इतना अच्छा बेड और घर का सामान भी आपको बहुत कुछ मिलेगा आप एक बार वहाँ पर ज़रूर चेक कीजिए नेक्स्ट है ये बहुत ही अच्छा मतलब इस टाइप का भी मेरे पास नहीं था तो मैंने ये प्रिंट लिया और काफ़ी अच्छा है येलो में आपको ये मिल जाता है इसका प्राइस है थ्री नाइन्टी नाइन मेटेरियल है ग्लास कॉटन तो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है डबल बेडशीट उसके साथ दो पिलो कवर और तीन सौ निन्यानवे में आपको इससे अच्छा मतलब नेक्स्ट बेड शीट है पिंक कलर का बेड शीट है ये थ्री नाइन्टी नाइन का है मेटेरियल माइक्रोफाइबर है तीन सौ निन्यानवे में बहुत ही अच्छा है डबल बेड शीट है और डबल बेड का है आपको दो इसके साथ पिलो कवर मिल जाएगा तो जल्दी से जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है तो चेकआउट कीजिए फटाफट और आप भी अपने घर के लिए इतना सुंदर सुंदर सा बेडशीट जाइए और ले लीजिए पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद मैं आ चुकी हूँ बाबू को नहलाने के लिए क्योंकि वो अभी नहीं नहाया है तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है उसको नहलाना क्योंकि वो नहलाने में ना बहुत ज्यादा ड्रामा उसका इतना ज़्यादा ड्रामा करता है ना नहाने में ऐसे तो कभी कभी राहुल जी नहा उसको नहला देते हैं लेकिन कभी कभी होता है ना कि वो नहीं भी नहलाते तो मुझे नहलाना पड़ता है तो ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है उसको नहलाने वाला सो so, चलिए पहले मैं उसको नहला देती हूँ उसके बाद आप लोग के साथ बातें करूँगी थोड़ी बहुत ब्लॉग को स्टार्ट कही हूँ देखती हूँ कहाँ तक ब्लॉग कर पाती हूँ जब आप लोग बोलते हूँ कि बहुत आप थोड़ा बड़ा ब्लॉग बनाइए लेकिन देखिए बड़ा ब्लॉग तब बनाने में अच्छा लगता है ना जब वास्ट टाइम जो है ना मतलब एवरेज जो होता है वो अच्छा मिलता है लेकिन बहुत लोग होते हैं कि इसकी कर करके देखते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा मतलब कि एवरेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो मन नहीं करता उतना ज़्यादा देर का ब्लॉग बनाने का बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है सो so, यहाँ पे मैं बाबू को नहला के और देख सकते हैं उसके ड्रामा स्टार्ट है उसका तो उसको मैं कपड़े पहना दूँगी तो बस ऐसे ही टाइम जो है ना वो ना चलते रहते हैं मैं आपको एक बात बताऊँ मेरा वैसे मूड भी अच्छा नहीं था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था कभी कभी लाइफ में मतलब इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है ना सबके लाइफ में आता होगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही लाइफ में आता है सबके लाइफ में आता होगा लेकिन लेकिन uh, फिर भी कभी कभी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मैं आपको पहले बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ लाइफ में इतना कुछ मेरे साथ हो चुका है कि मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखती हूँ और आगे भी बस माता रानी का ऐसी आशीर्वाद रहे तो मैं आगे भी इतनी ही स्ट्रांग रहूँगी कभी कभी होता है मन भरा आता है तो मैं रो भी लेती हूँ बहुत ज़्यादा रो लेती हूँ लेकिन चलिए कोई नहीं मेरे हस्बैंड मेरे साथ है तो फिर मुझे क्या टेंशन है होता है नहीं है कि एक परिवार वाला ससुराल वाले सपोर्ट में नहीं रहते हैं तो टेंशन रहता बट ऐसा कुछ नहीं है मेरे परिवार वाले मेरे हमेशा सपोर्ट में रहते हैं कोई दुनिया कुछ भी बोले मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है मेरे हस्बैंड मेरे साथ है और uh, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ है सास ससुर सब लोग सपोर्ट में है तो मुझे बाकियों का टेंशन नहीं होता है कभी कभी मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है बस यही सोचती हूँ कि यार मेरी लाइफ इतनी यूनिक क्यों है मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ पर बताऊँगी मैं कभी ना कभी आप लोग से सब कुछ बताऊँगी क्योंकि मैं आप लोग से कभी कुछ भी नहीं छिपाती हूँ कुछ भी नहीं बताऊँगी सही समय आने पर आप लोग को सब कुछ बताऊंगी लोग ऐसे होते हैं कि आप किसी को अगर कहते नहीं कि आप किसी को अगर बेड पे बैठाओ क्या बेड पे बैठ दो तो वो बेड पे सोने लगते हैं ऐसा वाला सिचुएशन है एनीवे anyway, कोई बात नहीं है लाइफ में सब कुछ देखते ही हैं जिसके साथ जो जय जै, जो जैसा करता है उसका फल उसको भगवान देते हैं हम इसी मतलब कि हम अपनी पूरे लाइफ में हमेशा यही सोचते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है और आई थिंक मेरे साथ जो हो रहा है वो भी मेरे अच्छे के लिए है मेरे मुझ में मतलब ये सब में कहीं ना कहीं मेरा कुछ भलाई छिपा हुआ है तभी मेरे साथ ये सब होता है मैं यही मानती हूँ क्योंकि मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है अपनी माता रानी पे अपने हस्बैंड पे अपने परिवार पे मुझे बहुत भरोसा है और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रोल भी लेती हूँ तो मुझे फिर ये लगता है कि मैं क्यों इतना टेंशन में रहूँ क्यों रोऊँ मेरे हस्बैंड मेरी ससुराल वाले सब लोग तो मेरे साथ हैं सब लोग मेरे सपोर्ट में हैं फिर मैं किसी और के बात सुन के मैं क्यों मतलब क्यों अच्छा फील ना करूं तो आज वही हुआ था कि आज मेरा मूड जो था बहुत ज़्यादा ही मतलब थोड़ा सा खराब था क्योंकि कभी कभी मैं मुझे ना वो सब बीता हुआ बात मुझे याद आ जाता है तो मन बहुत ज़्यादा भर जाता है मन नहीं करता कि, कि किसी से कुछ बोलूँ या कुछ करूँ पर कोई बात नहीं चलते रहता है लाइफ है कुछ ना कुछ होते रहता है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है कि नहीं एंटरटेनमेंट होते रहता है लेकिन इंटरटेनमेंट नहीं है ये मेरे लाइफ का बहुत ही बहुत ही इमोशनल सा लाइफ है जो हो चुका है और कुछ लोग तो मेरे साथ अभी भी फिलहाल वही कर ही रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा धुआं धुआं सा लग रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि मैं धुआं वाला जब अगरबत्ती जलाती हूँ ना तो ऐसे ही धुआं धुआं हुआ रहता है और ये कपड़ा देख सकते हैं कितना सारा फैला हुआ प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा ये सारे कपड़े रिव्यू के लिए आए हुए हैं तो मैं अभी नहीं की हूँ तो वो वैसे रखा हुआ है इसमें मैं कटेन लगा दूँगी मैं सोच रही इसमें कटेन लगा दूँ क्योंकि तो इसी तरीके से फैला होगा ना छोड़िए इतनी सारी इमोशनल बात मैं आप लोगों के साथ कर ली मन बहुत हल्का लग रहा है लेकिन कभी ना कभी मैं आप लोग के साथ सब और कुछ शेयर करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में क्योंकि धूप बहुत अच्छा सा है ये काफ़ी अच्छा धूप है हमारे बल बाल को बालको ही बहुत अच्छा धूप है पूरे छत वत बहुत ही अच्छा सा धूप निकला हुआ है तो मन कर रहा है धूप में बैठने का इतना अच्छा धूप है ज़्यादा अच्छा है और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको ये सारी बेडशीट पसंद है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा और कमेंट में मैं पिन भी कर दूँगी तो बबाई गाइज़ लव यू टेक केयर